Good morning. BSTC first year की online class paper खत्म किया है मेहनत करके. Good morning. BSTC first year की online class paper third Indian Society and Education के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है. आज हम इस paper के अंतर्गत पढ़ेंगे बालिका शिक्षा के संबंध में पढ़ेंगे. तो आज का हमारा paper है बालिका शिक्षा. आज हम इस video के माध्यम से बालिका शिक्षा के संबंध में विशिष्ट प्रकार की जानकारी है वह प्राप्त करेंगे. तो बालिका शिक्षा का तात्पर्य हमारा यह है कि बालिका को उचित मात्रा में जो शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा का अधिकार है वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो. इसके लिए हमें कई अथक प्रयास करने होंगे जिसके द्वारा बालिका को शिक्षा है वह प्राप्ति होगी. जैसे यदि समाज के अंदर बालक और बालिका में शिक्षा का जो भेदभाव किया जाता है उसको भी मिटाया जा सकता है. आज के समय में बालिका का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बालिका शिक्षित होगी तो बालिका एक घर के साथ में दो घर को सुधारती है. जैसे वो अपने ससुराल के अंतर्गत भी अपने परिवार के सदस्यों में भी शिक्षा का प्रचार करती है और अपने परिवार के अंतर्गत भी शिक्षा का प्रचार करती है. इस प्रकार से बालिका का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है. बालिका शिक्षा के प्रति धारणा है या सामाजिक कुरीतियाँ उनको दूर करना होगा और लोगों को बालिका शिक्षा है तो विभिन्न प्रकार के प्रयास करने होंगे तभी जाकर बालिका शिक्षा है वो प्राप्त होगी बालिकाओं को. इसके लिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे सामने कई प्रकार के उपाय हैं. इन उपायों को हमें करना होगा तभी जाकर बालिकाएँ शिक्षित होंगी. इसके अंतर्गत पहला उपाय है बालिका शिक्षा हेतु जागरूकता फैलाना. हमें बालिकाओं को उचित शिक्षा दिलाने हेतु लोगों के जागरूक बनाना होगा. हमें लोगों को समझाना होगा कि बालक को शिक्षित करने के साथ साथ में बालिकाओं को भी शिक्षित करना चाहिए क्योंकि बाल शिक्षा के ऊपर बालक और बालिकाओं का समान रूप से अधिकार है. यदि बालिका शिक्षित होगी तो हमारा समाज है वो सभ्य बनेगा और समाज है वो एकदम सभ्य होने के साथ साथ में शिक्षित बनेगा क्योंकि बालिका ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इस प्रकार से लोगों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा तब जाकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा. नेक्स्ट है अभिभावकों से संपर्क करके बालिका शिक्षा के महत्व को समझाना. गाँवों के अंदर हमें अत्यधिक मात्रा में अभिभावकों से संपर्क करना पड़ेगा. अभिभावकों से संपर्क करके हमें यह बताना होगा कि बालिका शिक्षा को महत्व देने से किस प्रकार से हमारा समाज है वो सभ्य बनेगा. अतः बालिका शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक बनाना होगा तभी जाकर ही हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं. हमें लोगों को अभिभावकों को ये समझाना होगा कि बालिका को भी शिक्षा बालक के समान मिले क्योंकि बालिका का भी शिक्षा के ऊपर समान अधिकार है. और आप ही समझ लो कि बालिका है शिक्षा अध्ययन शिक्षा ग्रहण करेगी तो वह इस समाज को सभ्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी. एक शिक्षित बालिका आगे बढ़कर कई समाज को शिक्षित कर सकती है. अतः शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को भी शिक्षा दिलवाना हम सबका कर्तव्य है. इसलिए हमें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके माता पिताओं से संपर्क करना होगा और उनके माता पिताओं के बालिका शिक्षा के प्रति जो मिथ्या धारणा है उनको दूर करना होगा तभी जाकर बालिकाओं का नामांकन है वो बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल पाएगा. फिर नेक्स्ट है बालिका की संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क की जाए. हमारे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा को संपूर्ण निःशुल्क करना भी महत्वपूर्ण एक प्रयास है क्योंकि अधिकतर माता पिता ऐसे होते हैं गाँव के अंदर जो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं तो ऐसी स्थिति में वे अपनी गरीबी के कारण बालिकाओं को उचित शिक्षा है वो नहीं दे पाते. ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जो बालिका शिक्षा है उसको पूर्णतया निःशुल्क करनी चाहिए ताकि हर बालिका हर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और शिक्षित बने और हमारे देश को सभ्य बनाए और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे. इस प्रकार से बालिका शिक्षा को भी निःशुल्क करना होगा तब जाकर बालिकाएं शिक्षित होगी. नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए. बालक और बालिकाओं की परीक्षा में अंतर होना चाहिए. बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को सरल और सुगम प्रश्न दिए जाए और उनकी परीक्षा प्रणाली में भी काफ़ी परिवर्तन करना चाहिए ताकि बालिकाएँ शिक्षा के लिए प्रेरित हो सके
और अत्यधिक मात्रा में बालिका शिक्षित हो पाए, जिससे परीक्षा प्रणाली के माध्यम से वे शिक्षा शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े। इस प्रकार से परीक्षा में परिवर्तन भी करके बालिकाओं के नामांकन को हम बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों में वृद्धि। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान समय में ऐसा है कि बालक और बालिका एक स्थान एक विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि बालिका के लिए एक पृथक से विद्यालय हो, उस पृथक से विद्यालय या पृथक विद्यालय हो जिसके लिए अंतर्गत बालिका ही ओनली फॉर बढ़े और उनको पढ़ाने वाली जो शिक्षक है वो भी क्यों ना महिला ही हो। ऐसे विद्यालय में की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बालिका शिक्षा को अत्यधिक मात्रा में प्रोत्साहन मिले और पृथक विद्यालय के द्वारा बालिकाओं के शिक्षा के प्रति रुचि वो जागृत होगी। इस प्रकार से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक विद्यालयों के अंतर्गत वृद्धि करनी होगी, तब जाकर बालिका शिक्षा का नामांकन है वो बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। जो महिला टीचर है, जो महिला अध्यापिका है, उनको सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाए, पढ़ाने के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाए, जिसके माध्यम से बालिका शिक्षा को काफ़ी रोचक बना सके। इस प्रकार से महिला शिक्षिका के द्वारा भी उनको प्रशिक्षण देना सरकार का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी के तहत वह अपने इस प्रशिक्षण के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को सीखे और इस प्रकार से महिला शिक्षिका को प्रशिक्षण के द्वारा विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से वे बालिका को शिक्षित कर सकती है। ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे उनके प्रशिक्षण के माध्यम से बालिकाओं का सतत विकास हो और बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हो। ऐसी महिला शिक्षिका जो गाँवों के अंतर्गत अध्ययन शिक्षा देने जाती है, ऐसी महिला शिक्षिकाओं को सरकार की ओर से ग्रामीण भत्ता दिया जाए। यदि सरकार की ओर से वैसी महिलाओं को ग्रामीण भत्ता दिया जाएगा तो उनकी कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ने से गांव के अंदर जो बालिकाओं का शिक्षा में नामांकन है वो उसके अंदर काफ़ी वृद्धि होगी और इस प्रकार से महिला शिक्षिका को ग्रामीण भत्ता देने से उनके जो गाँव के अंदर से होने वाले आवागमन की जो समस्या होती है वो समस्या भी दूर हो जाएगी और वह रुचि पूर्ण तरीके से गाँवों में बढ़ाने जाएगी और गाँवों के अंदर बालिका भी शिक्षित होगी उनके माध्यम से। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाँव के अंदर शिक्षा देने जाने वाली जो महिलाएँ शिक्षिका होती हैं उनके लिए गाँव भत्ते की एक सरकार द्वारा अलग से व्यवस्था है वो करनी चाहिए। फिर मिश्रित विद्यालय में शिक्षिकाओं की नियुक्ति। जब मिश्रित विद्यालय से तात्पर्य है कि ऐसा विद्यालय जहाँ पर बालक और बालिकाएं दोनों समान रूप से शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ऐसे मिश्रित विद्यालय में किसकी नियुक्ति की जाए, शिक्षकों के साथ साथ में शिक्षिकाओं की भी नियुक्ति की जाए ताकि जो छात्रा है वो भी स्वतंत्र रूप से विद्यालय के अंदर निडर होके पढ़े और उन्हें किसी भी प्रकार का संकोच न हो और वे अपनी कोई भी ऐसी बात है जो शिक्षिकाओं को आसानी से बता सकते हैं। अतः जिसकी वजह से मिश्रित विद्यालयों के अंतर्गत भी बालिकाओं का नामांकन है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगा और इस प्रकार से बालिका शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा।